चिरूडी गोली कांड मामले में सिविल कोर्ट से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को मिली सजा को लेकर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय आकर राजेश ठाकुर से मुलाकात की। बड़कागांव से आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस गोली कांड मामले में वहां के सभी कार्यकर्ता चश्मदीद के रूप में हैं। सभी को पता है कि पूरी घटना में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी का कोई हाथ नहीं है। उसके बावजूद भी कोर्ट के समक्ष गलत साक्ष्य पेश कर उन्हें फंसाया गया, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अपने पार्टी के आलाकमान से मांग करते हैं कि इस मामले को मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय तक ले जाएं, ताकि गरीबों के मसीहा योगेंद्र साहू के साथ न्याय हो। में बैठे थे, मुझे जानकारी पहले लोगों ने दी थी कि मैं मिलने आ रहा हूं, क्योंकि जहां उम्मीद होती वहां लोग जाते हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है, तभी इस तरह के फैसले आते हैं। किस तरह से टारगेट करके चिरूडी कांड में फंसाया गया वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन दस्तावेजों की कमी कहिए, पक्ष रखने की कमी कहिए, न्यायालय ने जो सजा सुनाया है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वहाँ के लोगों का सीधा मानना है कि उनको फंसाया गया है, तो हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से मिलकर के दोबारा जांच इस पर कैसे हो, कैसे उनको न्याय मिल सके, किस तरह से पिछले दिनों फंसाने का काम किया जा रहा था रघुवर दास की सरकार में, किसी से छुपा नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि जब वो योगेंद्र साव वहाँ थे ही नहीं तो उनका केस में डालना, निर्मला देवी कितनी सीधी साधी महिला थी, उनको किस तरह से रात में उठाया जा रहा था, अगर उसको इस तरह से उठाया जाना और उसका विरोध करना, अगर इस पर सजा होती है 10-10 वर्ष की, तो निश्चित रूप से पुलिस ने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं वो गलत उपलब्ध कराए हैं, बनावटी कहिए, गलत तरीके से उपलब्ध कराया गया दस्तावेज कहिए, और उसी के कारण न्यायालय उन चीज़ों को देख करके सजा देता है। लेकिन हम लोग इस पर सभी लोग मिल करके फैसला लेंगे, जो हाई कोर्ट में भी हमने अपील करना है, अपने वकील से बातचीत करके पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए देखिए, इसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलना कोई समाधान नहीं है, हम वरिष्ठ वकीलों से भी मिलेंगे, कानूनी विशेषज्ञों से राय लेंगे और तब जाकर के न्यायालय में भी हम लोग गुहार लगाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि निचली अदालत ने कोई फैसला सुना दिया तो ऊपरी अदालत उसको बदल नहीं सकती है। हो सकता है साक्ष्य गलत तरीके से रखा होगा, हम सही तरीके से रखने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, न्याय पर हमें पूरा भरोसा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।